ये इलेक्शन चल रहा है, कूड़ा कौन समेटेगा? क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं किया, ये लोग चले गए वोट डालने के लिए। वोट टाइम से पड़ जाना चाहिए बस। किसे डालूं? इधर देख के बताओ, जोर से बताओ। पंजे को। अच्छा नेता जी, तो ये दोनों आ गए वोट डाल के। अब मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे रेडी भी होना है, अभी भी मैंने ब्रेकफास्ट किया है तो टाइम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद मैं नई ब्लॉग बना रहा हूँ, और क्योंकि कुछ काम थे, इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है, तो इसलिए ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। सो गाइस, आज है 8 मई और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और अभी छोटा सा काम है, उसके लिए बाहर जा रहा हूँ। बाकी इलेक्शन ऑन है और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इलेक्शन के टाइम पर। और फिर से बारिश का सीन हो रहा है, आपने देखा होगा कितनी बारिश हो गई थी, पानी तक भर गया था घर में, तो अभी फिर से बारिश का सीन बन चुका है। मैं जा रहा हूँ बाहर, कुछ सामान लेना है। गेट खुल चुका है, इतना कूड़ा फैला रखा है ये इलेक्शन वालों ने। वो देखो ये सब इलेक्शन का पड़ा है, इलेक्शन का चुनाव का जो स्टिकर होता है ना, ये लोगों स्टिकर सामने सब स्टिकर दिख रहे हैं। सो गाइस, इलेक्शन ऑन है और उसी के इफेक्ट है ये, और सारे हर जगह पर जो है वो चुनाव के स्टिकर्स लगे हुए हैं। ये चाय मैंने कल पी थी तो उसका कप रखा हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ दाल लेने के लिए खड़ी मसूर की, क्योंकि दाल खाने का मूड हो रहा है तुम्हारे भाई का। चलो फिर चलते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के नहीं बढ़ा, क्योंकि हवा बहुत चल रही है। सो गाइस, दाल लेने के लिए जा रहा हूँ मैं, और वो हमारे चचा जा रहे हैं। सो गोइंग फॉर बाय द दाल। तो ये दाल है काली थैली में, और ये अमिया है यानी कि मैंगो। अब इन लोगों से ये पूछो, ये इलेक्शन चल रहा है, कूड़ा कौन सा मिटेगा? सो गाइस, पिछले 3-4 दिन जो है वो बिल्कुल, बल्कि 5-6 दिन जो है वो बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं हो पाई, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे। मुझे अपने जो भी हमारे जानने वाले कैंडिडेट थे उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी थी, बट टुडे इज द इलेक्शन डे एंड टुडे इज द वोटिंग डे। आज है वोट पड़ेंगे, टाइम हो रहा है 9:30। लड्डू और मूली गए हैं वोट डालने के लिए, और मैं जाऊंगा अपनी मर्जी के हिसाब से, जब मेरा दिल करेगा तब वोट डालने चला जाऊंगा, समझे? और अभी टाइम बने 9:30, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, इन लोगों ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, ये लोग चले गए वोट डालने के लिए, ये लोग भी आते होंगे, और मैं जब तक ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। और धूप बहुत तेज़ है इसलिए ये लोग अभी चले गए वोट डालने के लिए। मैं देखो कब जाऊंगा, आई डोंट नो, पर जाऊंगा ज़रूर। तो आज इलेक्शन का दिन है, वोटिंग, आसमान साफ है, कुछ नहीं है, नो बादल नो बारिश। आज के दिन बारिश ही नहीं होती, इलेक्शन के टाइम कभी बारिश नहीं होगी यार। चलो, और मूली ने तो कमाल ही कर दिया, लड्डू मूली ने खड़े खड़े दीवारी तोड़ डाली, बट टूटना तो वैसे भी है, ये ऐसा नहीं लग रहा आसमान है बट है दीवार, तो ये सब होना तो वैसे भी है। तो इन्होंने पहलाया, अभी रहता वो कौन सा बैठा है, इनसे पूछे कोई जग के भाई, कोई पूछे जग के। तो ऑलमोस्ट 9:45 हो रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये है सीन, चलते हैं अभी अंदर। तो इलेक्शन के टाइम पर इतना मज़ा आया, मैं क्या बताऊँ, इतना इन्जॉयमेंट होता है, इतना मज़ा आता है, बट मैं आपको क्या ही बताऊँ कितना मज़ा आता है इलेक्शन में, आप भी इन्जॉय करते होंगे। तो इलेक्शन कौन से चल रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में नगर निकाय, नगर पालिका परिषद में चेयरमैन और मेयर का चुनाव होता है, वो उसकी वोटिंग है 11 मई को, और जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। तो आज का ब्लॉग इसी पर रहेगा, दिन भर ऐसे ही रहेंगे,
और खूब एंटरटेनमेंट करेंगे मैं और आप मिलकर। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी देर में निकलता हूँ, क्योंकि मुझे चेंज भी करना है, अलग गेटअप बनाने की सोच रहा हूँ आज। चलो तो ब्रेकफास्ट। अब ये मत कहना कि ये मैस क्यों है, वही जो काम वाली आती है ना वही करती हैं सब। और हमारा फेवरेट स्पॉट है ये, ठीक है, और एक स्पॉट हमारा जो है वो ये है ब्लॉग करने का, जो मैं स्टार्ट करता था रमजान शरीफ में। चाय बनी रखी है बट मुझे ऑमलेट बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इलेक्शन के दिन ना वह तो वैसे भी करता हूँ, ठीक है, तो बना लेता हूँ जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कितने बजे जाता हूँ। भाई देखो 10 से 1 बजे तक तो नहीं जाऊँगा बोलता हूँ, सिर्फ बहुत तेज तो भाई, बट चलो पहले चाय का मज़ा ले लें, ऑमलेट का मज़ा ले लें, उसके बाद निकलेंगे वोट डालने के लिए। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लंबी हो सकता है, तो जो भी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग विजुअल्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये दोनों आ गए वोट डाल के, अब मैं जाऊँगा क्योंकि मुझे रेडी भी होना है, अभी भी मैंने ब्रेकफास्ट किया है। तो टाइम हो रहा है 10:30 हो गए ऑलमोस्ट, तो मैं सोच रहा हूँ डाल दिया, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है और जो हमारी वाली लाइन है वो बहुत लंबी है इस टाइम, तो मुझे अभी जाना चाहिए, तो अभी जा रहा हूँ चेंज करने के लिए, स्लिप्स हैं इसमें, तो जा रहा हूँ चेंज करने के लिए, क्योंकि अच्छा गेटअप करके जाना चाहिए वोट डालने के लिए। धंधे लग रहे हैं यार, चलो निकल के अभी आता हूँ। और लाइट तो मैं रेडी हो चुका हूँ वोट डालने के लिए, अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि धूप आ रही है, इधर का ताला ही नहीं खोला है। चलो इधर से जाता हूँ, लड्डू वोट डाल के आ चुके हैं ये लोग, और अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ इस वाले गेट से। सो सब लोग, आई होप कि आप लोगों ने वोट कर दिया होगा जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे, तो चलते हैं अभी बाहर का माहौल देख लेते हैं क्या है माहौल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शांति है, अभी सब लोग बूथ पर होंगे अपने अपने, तो मैं भी चलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो निकल चुके हैं वोट डालने के लिए और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, अब जा रहे हैं देखते हैं कितनी भीड़ है, और वोट टाइम से पड़ जाना चाहिए बस। ऑल राइट गाइस, तो अभी हमें एक राइड मिल गई है मोटरसाइकिल की, तो हम जा रहे हैं वोट डालने के लिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं और हमारा बूथ ऑलरेडी ऑलमोस्ट आने वाला है वहाँ पर, और वोट डालेंगे और जैसे फ्री हो जाएंगे फिर इस दिन को इन्जॉय करेंगे, खूब इन्जॉय करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि बहुत इन्जॉयमेंट, और वोट सभी को डालना चाहिए भाई, डालो वोट। ये आ गया अपना ड्रीम, ओ हो हो हो, क्या बात है, सही है। अब जा रहा हूँ वोट डालने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो हमने अपना वोट कास्ट कर दिया है, तो मैं जा रहा हूँ घर पे, लगभग 2:30 बज रहे होंगे और भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली, नमाज भी नहीं पड़ी है, तो शाम में फिर जाएंगे ब्लॉग वहाँ भी बनाना है। तो किसे डालूँ, इधर देख के बताओ, जोर से बताओ, पंजे को, अच्छा क्या रहा, पंजे को डाला, आप कहाँ यार, डालो जाओ वोट डालो भाई डालो, ठीक है अब्बास टाटा, हाथ में लाइए वो वाला, ऊपर देख के, ऊपर देख के पर्ची दीजिए, तो उठा दे रहे हो आप, साइन कर दूं, होगा ला फिर से कर दूं, साइन कर दूं, यहाँ पे पर्ची ली है ना, दे दो पेन दे दो भैया, काय पे डालें वो डब्बा बताइए, साइकिल पे तुमने किसको दिया था, आपने वोट किसे दिया, अब्बास इधर, अब्बास इधर देख के बताइए किसे वोट दिया, किसको दिया था, नहीं वैसे बताओ किसे दिया, वोट बताइए किसे दिया है, कटे हाथ को कह रहे हैं, कटे हाथ को वोट दिया है, किसे दिया है, पंजा, अब्बास एक बार इधर देख के ऐसे कर दिए, अब्बास पंजा देगा। ऑल राइट, 1 घंटा बजा है वोटिंग का और अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं, एक्चुअली मुझे नहीं पता साउंड आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, तो देखते हैं अभी जाके गुलाब के फूल का क्या सीन है, वो फूली की सब का ये आप लोगों को डाल दिया, तो एक घंटा बचा है, अरे ये लाइव चल रहा है, तो भी है लाइव नहीं चल रहा है, तो सभी लोग सुन लेंगे लाइव के, अभी चले जाओ वोट डालने के लिए, बट जाना चाहिए वोट डालने के लिए, जरूर से जरूर जाना चाहिए।
हमारा पूरी तरह दूर है, तो हम एक चक्कर मारने के लिए और जा रहे हैं। अभी भी वोटर्स निकल रहे हैं धीरे धीरे। नेताजी कैसा चल रहा है? बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सही चल रहा है मामला भाई? बढ़िया चल रहा है। हमारे कैंडिडेट उठे हैं क्या? आप क्या लग रही है आप? हम आपसे पूछना चाहते हैं अभी तक कितना परसेंट हुआ? अभी तक ज़्यादा में ज़्यादा हाथ है 45% बट मेरे पास 50 की वो आई जनता का आया पूरा बूथ का आया या फिर उसका आया मुझे कुछ आइडिया नहीं। हाँ भाई तो कुछ मैसेज वोट के लिए? मैसेज हम यही कहना चाहेंगे कि अपने वार्ड नंबर 5 से गुलाब के फूल की जो हो गया वो हो गया, एक तरफा जीत हो रही है भाईजान, एक तरफा। अच्छा, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। 40 में बंटवारा है। अच्छा तुम कब लड़ोगे? वैसे तो ये लड़ने वाले थे इस साइड में, अगली बार ये लड़ने वाले थे काशिफ भाई, लेकिन काशिफ भाई ने काशिफ भाई असल में लड़ नहीं पाए। नहीं 200 आदमियों को समर्थन दिया। कितने इन्होंने? इनका 200। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने अच्छा लड़ाया, वैसे काफी बढ़िया लड़ाया इन्होंने। नाइस टू मीट यू। दिल अभी दिल मिला लो, इंशाल्लाह मिलोगे। नहीं मिल गए, बिल्कुल दिल मिले हुए हैं, दिल मिले हुए हैं। तो हम बूथ का जायजा लेने गए थे, पुलिस आ गई, सब भाग गए। तो खत्म होता है यार कई त्योहार, चुनाव का त्योहार। पुलिस आ गई, भगा दिया, डंडे मार मार के भगाया। कह रहे हैं अपने घर पे जाओ चाय पियो जाके अम्मी से बनवा के। मैंने कहा अम्मी बनाई देनी, तभी तो यहाँ पे आए, तुम बिलवा दो। सो गाइस, जिस इलेक्शन की वजह से इतना गदर था, इतना ज़्यादा रौनक हो गई थी शहर में, तो इलेक्शन आज ख़त्म हो गया, अब शांति हो जाएगी। 13 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, जो भी मेयर बनेगा, जो भी नगर पालिका के चेयरमैन बनेगा, जो भी है उसका रिजल्ट आएगा परसों। मैंने टोपी लगा रखी है, मैं रेडी हूँ, अब मैं जा रहा हूँ दरगाह पर, क्योंकि हर थर्सडे को मैं दरगाह पर जाता हूँ। क्या बोलते हैं, सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो मैं जा रहा हूँ, और इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही अब मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में, और आपको एंटरटेन करने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक कि अपना बहुत ख्याल रखना है अपने। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। लव यू।